से अपने पेज नंबर 47 ओपन कर लीजिए, और जहाँ पे मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ एंजाइम्स। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मरतबा डिस्कस किया कि डाइजेशन के वक्त बहुत सारे एंजाइम्स हमारे अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहे होते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ दिस एंजाइम, ये बेसिकली एंजाइम है क्या, ठीक है? तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम क्या है? एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी एक एडिशनल तौर पे काम करने वाले हैं, ठीक है? दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब ये है कि ये लोग जो भी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होगा उसको तेजी उसके अंदर तेजी करेंगे, बट आर नॉट ब्रोकन डाउन और चेंज बाय इट। लेकिन उसके अंदर यूँ नहीं कि एक रिएक्शन को तेज तो करेंगे, लेकिन यूँ नहीं कि खुद ही फ्रूट को ब्रोकन डाउन करना शुरू कर देना, खुद ही उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना, ये काम नहीं करेंगे। ये एज अ बस स्पीड अप कर रहे होंगे, 3x की स्पीड पे काम कर रहे होंगे। दे लोअर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। ये केमिकल रिएक्शन जब तेज से काम करेगा तो उसको एनर्जी कम चाहिए होगी, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, जल्दी जल्दी से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो ये बस ये काम करते हैं। एंजाइम ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। स्टार्च प्रोटीन एंड फैट्स आर अ बिग बिग मॉलिक्यूल। अब कह रहे हैं एंजाइम जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करे, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, ये फैट्स है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। अब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये क्या हैं? ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। ज़्यादा से बात है स्टार्च प्रोटीन और फैट से ये से जो फर्दर ब्रेक डाउन हुई तो ग्लूकोज बन गया, अमीनो एसिड बन गया, फैटी एसिड बन गया, ग्लिसरॉल बन गया, जो कि छोटे छोटे, और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये इजिली हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है इसके अंदर, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर इजिली मिक्स हो जाते हैं, यानी हमारे ब्लड के अंदर इजिली मिक्स हो जाएंगे, ठीक है? एंजाइम हैव स्ट्रेंज नंबर बट यूजली एंजाइम नेम गिव्स यू अ क्लू अबाउट व्हाट इट डज। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। अब वो कहते हैं यूँ तो अगर हम लोग एंजाइम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ तरह का होता है, लेकिन एंजाइम के स्ट्रक्चर का जो शेप होती है या जो उसका जो नाम होता है ये हम लोगों को बहुत बड़ी हेल्प कर देता है कि हम लोगों को बता देता है कि जी ये एंजाइम जो है ये क्या कर काम करेगा, ठीक है? जिस तरह से अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो हम लोगों को इसके नाम से ही पता चल जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ने क्या करना है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है जी? अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर। द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग हैपन व्हेन प्रोटीन एंड फैट्स आर डाइजेस्टेड। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो जो प्रोटीन या फैट्स को हम लोग डाइजेस्ट करके जब डाइजेशन हो रही होती है तो सेम इसी तरह से एंजाइम कॉल्ड प्रोटेज ब्रेक डाउन प्रोटीन टू अमीनो एसिड मॉलिक्यूल। प्रोटेज एंजाइम ना पता चल जाता है कि प्रोटीन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होगा। सिमिलरली लाइपेज के अंदर देख ले तो ये लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा। व्हेन योर फूड इज चर्निंग अब अराउंड इन योर माउथ एंड टाइम एंजाइम वर्क हार्ड एट वर्क ब्रेकिंग डाउन फूड। जब जो स्टमक जो स्टार्ट में जो काम कर रहा था जब ताज़ा ताज़ा आपका फूड आया हुआ होता है मुंह से तो स्टमक को बहुत मुश्किल हो रही होती है इतने बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, ठीक है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। मोस्ट कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स सच एज डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड इनडाइजेशन आर यूजली द रिजल्ट ऑफ चेंज इन डाइट। यानी कि बहुत जो कॉमन से वो कह रहे हैं कि डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है या हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है? ये हम जब हमारी कोई डाइट चेंज कर, हम लोग कोई खाने में कोई अलग चीज़ खाना शुरू कर दें, कुछ थोड़ा सा चेंज कर रहे हों, ठीक है, हमारे लाइफ स्टाइल में हम स्ट्रेस हों तो ये हमारे साथ ही इश्यूज आते हैं, ठीक है? दे यूजली लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम एंड कैन बी ट्रीटेड क्वाइट ईजिली। ये कुछ टाइम तक हमारे हमें मसला होता है उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। हाउएवर अदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सच एज अपेंडिसाइट्स, कॉर्न डिजीजेस एंड बाउल कैंसर आर सम सीरियस एंड रिक्वायर मोर मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन वो कह रहे हैं ये जो डिजीजेज हैं जैसे अपेंडिसाइट्स या कॉर्न डिजीजेज या फिर बाउल कैंसर, ये जो है ये बहुत सीरियस डिजीज है और इनका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया क्या है? डायरिया इज द लूज वाटर फीसिस पासिंग फ्रॉम द एनस सेवरल टाइम्स अ डे। यानी कि डायरिया का सिंपल मोशन, यानी कि हमें बहुत पतले फीसिस निकल रहे हैं। इट कैन बी कॉज बाय सेवरल थिंग्स सच एज इन्फेक्शन और एलर्जीज टू सर्टन फूड एंड मेडिसिन। ये बहुत से वजूहत से हो सकता है, जैसे हम लोग किसी चीज़ से एलर्जी हो, किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो, हम लोग वो चीज़ें टेक कर लें तो हम लोग को डायरिया हो सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इफ़ यू हैव अ डायरिया, अदरवाइज द बॉडी बिकम डिहाइड्रेट। डायरिया के अंदर यानी जब आपको मोशन वगैरह लगे हुए होते हैं तो आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पानी के साथ ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है। तो अगर आप लोग पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिर्चों वाली चीज़ें ना खाएँ, इससे अगर आप लोग अपने थोड़े से एहतियात करेंगे तो एक तो अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, फिर एक दूसरा रोल आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्या है? इज द ऑपोजिट ऑफ डायरिया। बिल्कुल ऑपोजिट है डायरिया के। हम लोगों को फीसिस हार्ड आती है, मुश्किल होती है वॉशरूम में। द फीसिस बिकम हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास आउट ऑफ द एनस। सीरियस कॉन्स्टिपेशन, हेमरॉइड्स, हेमरॉइड ऑल्सो कॉल्ड पल्स आर स्वॉलन एंड इन्फ्लेमेशन अराउंड द लोअर रेक्टम एंड एनस। इनके हमारे ना सूजन होना शुरू, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, इतनी सख्त होती है। दे कैन कॉज इचिंग और ब्लीडिंग और ब्लड भी इन करना शुरू हो जाता है साथ साथ। ठीक है, डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली एंड ईटिंग फूड कंटेन लॉट्स ऑफ रफेज कैन हेल्प इन मेकिंग द फीसेस सॉफ्ट एंड अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, आप ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज करें, पानी पिएं। ठीक है, अपने फूड का खास ख्याल रखें, अपने फूड के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल करें तो आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनडाइजेशन की। इनडाइजेशन इज अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब सेवरल इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम दैट अकर एट द सेम टाइम। इनडाइजेशन क्या वो कहते हैं कि एक ही तरह के मोस्ट तरह के हमारे इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स एट अ टाइम फेस करने पड़ जाएँ तो वो इनडाइजेशन है। दिस इंक्लूड टर्मी, एजी, अ बर्निंग सेंसेशन और अ फीलिंग अनकम्फर्टेबल जस्ट फॉल जस्ट आफ्टर ईटिंग। यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग मेदे में जलन हो रही है, या हम कहते हैं कि यार आज तो भूख नहीं लग रही, पेट दर्द कर रहा है, ये सारी क्या इंडाइजेशन की। ठीक है, एट अ टाइम हम लोग को शुरू हो जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंडाइजेशन। ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन डिपेंड ऑन द कॉज बट यूजली मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट कैन हेल्प टू प्रिवेंट। ठीक है, अब ये आपको सिचुएशन पर डिपेंड करती है इसकी ट्रीटमेंट, लेकिन आपको चाहिए कि अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे तो आपको इंडाइजेशन का इशू खत्म हो जाएगा। फिर आप आ जाते हैं अपेंडिसाइट्स। अपेंडिसाइट क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स विच कॉज वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, यानी हम लोगों को नुदकी होगी, हमें वॉमिटिंग होगी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है, ये सारा के सारा, और ये क्यों? क्योंकि हमारी अपेंडिक्स ख़राब हो रही होगी। एक्यूट अपेंडिसाइट्स रिक्वायर सर्जरी टू रिमूव द अपेंडिक्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द बर्स्टिंग। ठीक है, अगर हम लोग एक्यूट अपेंडिसाइट्स हो गई हैं तो हम लोग की सर्जरी रिक्वायर्ड होती है ताकि हमारा अपेंडिक्स फट ना जाए। बर्स्ट अपेंडिक्स इज वेरी सीरियस बिकॉज द कंटेंट्स इन द इंटेस्टाइन आर रिलीज इन द एब्डोमिनल कैविटी कॉजिंग सीवियर इन्फेक्शन। और अगर हमारा अपेंडिक्स फट जाए तो क्या होगा कि हमारे जो सारा जो फूड है वो सारा का सारा एब्डोमिनल कैविटी में शिफ्ट हो जाएगा, और एब्डोमिनल कैविटी में जब शिफ्ट होगा तो हम इन्फेक्शन हो जाएगा। अब कॉर्न डिजीज की बात करते हैं। कॉर्न डिजीज क्या है? कॉर्न डिजीज इज अ क्रॉनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग डिजीज दैट कॉज इन्फ्लेमेशन एंड इरीटेशन एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल पूरी के अंदर हम लोगों को इचिंग शुरू हो जाएगी। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कॉर्न डिजीजेज आर डायरिया, क्रैम्पिंग एंड पेन द एब्डोमिन एंड वेट लॉस। हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, हमें क्रैम्प्स उठना शुरू हो जाएंगे, डायरिया का प्रॉब्लम आ जाएगा हमें। डॉक्टर्स आर नॉट श्योर व्हाट कॉज कॉर्न डिजीज। लेकिन आज तक इस बात का इंकशाफ नहीं हो सका कि क्या चीज़ है जो कॉर्न डिजीजेज कॉज करती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर इज द कंडीशन व्हेन अ सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस अनकंट्रोलेबली फॉर्मिंग अ लंप्स ऑफ ट्यूमर। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ट्यूमर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ट्यूमर कैन फॉर्म एनी वेयर इन द बॉडी इंक्लूडिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये ट्यूमर हमारी बॉडी की किसी भी जगह पे हो सकते हैं, हमारे स्टमक के अंदर हो सकते हैं, हमारे पेनक्रियाज हो सकते हैं, हमें बाउल कैंसर हो सकता है। ठीक है, स्पॉटेड अर्ली इनफ कैंसर कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। अगर हम लोगों को वक्त से पहले पता चल जाए तो कैंसर का ट्रीटमेंट है, और अगर हमारे पूरी बॉडी में फैल जाए कैंसर सेल्स तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मिल जाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।